गोंडा जनपद में आज दिनांक 24/8/2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सचिवालय के लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम से वर्चुअल माध्यम से जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर में 48 कर्मियों के लिए बेरक व विवेचना कक्ष, महिला थाना में 48 कर्मियों के लिए बेरक व विवेचना कक्ष, थाना कोडिया में 32 कर्मियों के लिए बेरक व विवेचना कक्ष, थाना कटराबाद में 32 कर्मियों के लिए, थाना नवाबगंज में भी 32 कर्मियों के लिए, वहीं पर थाना वजीरगंज में 32 कर्मियों के लिए बेरक व विवेचना कक्ष, थाना उमरी बेगमगंज में 16 कर्मियों के लिए बेरक व विवेचना कक्ष, थाना मनकापुर में 16 कर्मियों के लिए बेरक व विवेचना कक्ष, इटिया थोक में भी 16 कर्मियों के लिए बेरक व विवेचना कक्ष का लोकार्पण किया गया। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर गोंडा में 48 कर्मियों के लिए बेरक व विवेचना कक्ष का फीता काटकर विधायक सदर प्रतीक भूषण द्वारा उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बेरक के विवेचना का लोकार्पण करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा बताया गया कि पुलिस कर्मियों को रहने की सुविधा व विवेचना कक्ष मिलने से उनके रहने की समस्या दूर होगी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर सकेंगे। साथ ही पुलिस चौकी के बनने से क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होगी, अपराध एवं अपराधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा, आम जनमानस को होने वाली समस्याओं का भी अब तत्काल निरावरण किया जा सकेगा। अमित कुमार श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट।